माशाल्लाह अभी मैं घर भी नहीं गया ना हो के कहीं से आया हूँ, और अहमद ने वो दीवार मुकम्मल कर दिखाते हैं। ये देखे जी, अहमद ने माशाल्लाह ये दीवार कंप्लीट कर दी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम घर में करेंगे जी पेंट, और मैं लेने जा रहा हूँ पेंट। ये हम शॉप पर पहुँच गए हैं और इधर से लेते हैं पेंट। हम लोग पेंट लेंगे जी सस्ता, और उसको बनाएँगे महंगे के बराबर। महंगे के बराबर कैसे बनाएँगे जनाब? हम लेंगे ताज पेंट, जो सबसे सस्ता मिलता है। 450 की बाल्टी है ये, और इसमें हम लोग डालेंगे गिलू। गिलू होता है 3-4 किस्म का, और हम डालेंगे इसमें अच्छे वाला, जो अच्छी क्वालिटी वाला गिलू हो, जैसा कि लकड़ी का गिलू जी। तो इधर से गिलू लेके और कलर लेके फिर निकलते हैं घर की तरफ, और जाके आपको पूरी तरतीब के साथ बताते हैं कि बनाना कैसे है। लेट्स गो जी। अहमद साहब, कलर लेके आए हो आप? कलर ले गया, कितने का आया? 1950 का। इसका मतलब हमारे 2 कमरे 3 निकल जाएंगे फिर। हैं? वो बंदा तो बोल रहा था 6-7 लगेंगे उधर जी। तो ये हमने कलर लिया है जी, इसको पाकिस्तान में कहते हैं गमला बाल्टी, और ये है तो सबसे चीप, मगर ये है कि इसका हल आप ढूंढ लें, और इससे आप काम भी अच्छा हो सकता है और दाम भी आपका बिल्कुल लो हो सकता है। आप एक गिलू ले लकड़ी का, इसमें डालें और इसको मारना शुरू कर। तो ये अहमद साहब पीछे बैठे हुए, और अब जाके हम आपको मिलते हैं घर। घर जाके दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। हाँ जी मौलाना साहब, एक ना सानू हदीस सुनाओ कि साडे जो सब्सक्राइबर ने वेखन, तो थोड़ी उस हदीस नू शेयर कर। मल्लम यरहम सगीराना वमल्लम युअक्किर कबीराना। हुजूर ने फरमाया, बड़ों को चाहिए कि छोटों पर शफकत करें, और छोटों को चाहिए बड़ों की इज्जत करें, अदब करें। फरमाया कि अगर वो ऐसे नहीं करते, फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हमारे में से है ही नहीं। बेशक। बस जी, हाँ जी, थैंक यू जी। अब मिलते हैं घर जाके, घर वाले भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। लो जी, हम पहुंच गए हैं घर। रब अंदर कलर रखते हैं, साथ बना के फिर काम शुरू करते हैं। लो जी, हम पहुंच गए हैं रंग करने वाली जगह पर। मैं और अहमद साहब, और ये काका भी साथ हमारे काम करेगा, मोहम्मद अली, इसको तो आप सब जानते होंगे, ठीक है जी। और ये दीवारें हमारी होने वाली हैं, और ये हमने की हुई हैं। इधर लो सनी आला, ये देख, ये एक ओड़ू है, एक रहता है, और ये है छत। छत का भी डिज़ाइन डालेंगे। अब बनाते हैं कलर और आपको दिखाते हैं साथ ही जी। तो गाइज, ये है पाकिस्तान का सबसे चीप पेंट। इससे सस्ता पेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है ताज पेंट। ये बाल्टी हमें मिली है जी 450 रुपये की। वो 500 की बोल रहे थे, 450 की मिली है। ये 400 की भी मिल सकती है। इसको हम कंप्रोमाइज़ करवाएंगे ब्राइटों के साथ। ब्राइटों के साथ इसलिए करवाएंगे, ये हम लेके आए जी अच्छे वाला गिलू। ये नंबर वन गिलू है जी, कैरिलिथ। ये लकड़ी का गिलू है, और कोई भी आपको गिलू दे, वो गिलू एक नंबर नहीं होगा। प्योर लकड़ी का और अच्छा एक नंबर गिलू है ये। आप ये लें, और ये ब्राइटों का मुकाबला करवाएगा आपसे कलर का, डिस्टेंपर जो है उसका। कितने बांधा था? नीचे से पकड़ के उठाओ, नीचे से पकड़ के उठाओ। हम बड़ा कितना उठाते? और माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने बांधा था आपको उधर, बताओ मेरे को? इसने भाई ने कहा साहब ने। गाइस, इतनी तरतीब के साथ आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा, पाकिस्तानी पेंटर तो ख़ास करके नहीं बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एक बाल्टी के अंदर एक गिल्लू का पैकेट डाल दें, आपकी बाल्टी की कीमत बनेगी 650 रुपया, और ये बाल्टी ब्राइटों का मुकाबला करेगी, गोभी का मुकाबला करेगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में
दे के फायदा होगा, इसके अंदर नहीं रहेगा। हमने बनानी है जी तीन बाल्टियाँ, दो ऑफ वाइट की और एक वाइट की, कि हमारा कलर जो था वो मध्यम हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा। ये वो तरीके हैं जो आपको पाकिस्तान में आपके उस्ताद नहीं बताएंगे, जो आपको काम सिखाते हैं। कोई भी बंदा, घर वाले खुद भी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी कलर वाले को लेके आए। ये छत वाइट होगी आपकी और दीवार ऑफ वाइट होगी, तो आप देखना, लुक देखना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका घर कैसा लगे। चले आप इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, पानी डाल के इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए जी, इतना सा पानी डाल लेना इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, तो इसकी फुटियां ना बनी हो जैसे दही की होती हैं। देखने आ गए जी हम कैसे कलर बना रहे हैं। मोहम्मद अली आज करेगा पेंट, ठीक है, हाँ ठीक है। मुँह से वो सोल्यूशन निकालो ना, मतलब बोलना नहीं आपने, गलती ना करना। इसको आज किसने बांधा था उधर बाहर, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, आज तमाशा लग जाएगा इधर तो, ठीक है। हाँ बोलना कुछ नहीं है मेरे उधर, गलती भी ना करना। हाँ जी, जब तक ये गाइस कैमरा ऑन रहेगा ये बंदा नहीं बोल सकता जो मर्जी हो जाए। हाँ जी जी, हाँ जी, ये गंदा काका, ये कोक और ये इसराइल की बोतलें भी पीता है, स्प्राइट की और कोक की पीते हैं ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ, मैंने बोला आपको हम तमाशा लगा देंगे। जो इस तरह की चीजें खाते हैं उसको गुनाह मिलता है, उनको बताओ, इनको पता ही नहीं है। जो पाकिस्तान की नगर उसको मैं भी नहीं। अच्छा जी, तो कोक जो पिए आपने, तो कोक भी पी थी? नहीं। हाँ पीने थी कभी जी? नहीं, इतना नहीं भी होती है। क्या पाकिस्तान में भी होती है चीजें? कुछ इसराइली होती है तो कुछ पाकिस्तानी होती है, तो पाकिस्तानी तो सही नहीं बनाते चीजें, सही? पाकिस्तानी तो दो नंबर चावल है, बहुत चीज़ें नहीं सही बनाते, तो फिर इसराइल वाली सही होती हैं चीज़ें। हाँ जी सही, सही बात कह रहा। हाँ जी, आप घूम के उधर को भी हो सकते हो।
चाहिए होगा जो भी होगा अभी ऊपर दूसरा लिस्ट आ गया पानी देखो आपने इसमें पहले आधा पानी डाल देना है, आधा डाल के आपने देखना है कि क्या पेंट अभी भी भारी है क्या है। अगर आपका पेंट भारी हो तो आपने क्या करना है कि इसमें पानी थोड़ा और डाल देना है। हमारा पेंट अभी थोड़ा भारी है, हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे। तीन हिस्से हमने इसमें पानी डाल दिया जी, डेढ़ बार दिया जी। ये मतलब क्या है, जिस बार भी मैं आपने पेंट मारना है दूसरी को ढक देना है, क्योंकि ऊपर कचरा ना आएगा और आपका पेंट भी बचा रहेगा। इसमें भी और इसपे ये और वो हमें पेंट चाहिए, हम उसको दीवारों पे लगाएंगे। ये देखे जी गाइस, ये अहमद अभी काम कर रहा है। ये जी अहमद, पहले आपने मेरे साथ देखा था इसको और अभी ये काम कर रहा है। कुछ भी पहला टाइम है इसका, आप अपने घर में खुद पेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये अहमद कर रहा है पेंट, समझ ले कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद भी अपने घर में रूलर से या ब्रश से पेंट कर सकते हैं। ये देखें, पहला कोड जैसा भी हो कोई बात नहीं, ये है कि बच्चा सीख जाता है उसी कोड में, पहले कोड में। आपका कोई भी बच्चा ये इस एज का होगा तो वो काम सीख जाएगा जी। अहमद साहब, हो रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगा अब मेरे आने तक? चलो ठीक है, मैं ना फिर आता हूँ उस घर से होके। ये देखें जी, आपने भी ऐसे रूलर को ऐसे घुमा के ऐसे पेंट लगाना है, पेंट भी थोड़ा लगेगा आपका। दो बार ऐसे कर देना कि आपका पेंट नीचे ना गिरे, और साथ ही आपने भी अहमद की तरह ऐसे ऊपर ले के जाना है और साथ ही पेंट ऊपर कर देना। ये बस तंग ही करता है हमें।
माशाल्लाह अभी मैं घर भी नहीं गया ना हो के कहीं से आया, और अहमद ने वो दीवार मुकम्मल कर दी है, आपको दिखाते हैं। ये देखे जी, अहमद ने माशाल्लाह ये दीवार कंप्लीट कर दी है जी। तो वेलकम बैक हो गया। ये देखें, ये दो दीवारें अहमद ने ख़त्म कर दी हैं, आपने पहले देखा था जी, ठीक है। ये देखें, नया बच्चा है ना, तो इसलिए ऊपर ऐसा है, फर्स्ट डे था इसका, और ये मैं उसके पास खड़ा था इसलिए इसने ऊपर ऊपर रखा पेंट, और छत को भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े कारीगर हों उनसे भी लगा। और इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक सुबह दिखाएंगे इस वीडियो की मुकम्मल। अल्लाह हाफिज़।